बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की इस वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, बॉटनी का पेपर लेके आया हूं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, प्लस मतलब कि 85% से ऊपर आएगा, नीचे की तो बात ही मत करो, सोचना ही खराब है, कल्पना भी मत करना, समझ रहे ना, कल्पना भी मत करना। और हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा एग्जाम से 2 दिन पहले, जब आपका पेपर होने वाला हो मुझे कमेंट कर देना, सर मेरे यूनिवर्सिटी का पेपर इस तारीख को है, अब बताओ कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लूं। वैसे जो आपने बताए वो सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए हैं, अच्छे तरीके से याद भी कर लिए हैं। आप अच्छा तरीके से बता दो कि सर 2 दिन या 1 दिन मेरा बच्चा है, अब मुझे कौन से क्वेश्चन बेहतर तरीके से पढ़ना है लास्ट डेज में, मतलब लास्ट डेज मतलब लास्ट दिन में कौन सा सेक्शन पढ़ा है कि जो पेपर में आ रहा है, तो वो तरीके हमसे पूछ रहा होगा ना, तो वो कमेंट कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी आप देख ला, कमेंट कर देना सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने दोस्तों को जो भी है, सखा सहेली जो भी है, उन सबको बता दो कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, या फिर शेयर चैट चला रहे हो, हेलो, जो भी जितने भी ऐप है सोशल मीडियाज वाले, वो सारे आप सब पर शेयर कर दो, आप जो भी यूज कर रहे हो, ठीक है। बस इतना मांग रहा हूँ मैं आपको, कुछ ये नहीं कर रहा मुझे पैसे दो कि भाई ये करो मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, कुछ नहीं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर फ्री में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट पर जाइए paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देख लो एक बार सभी लोग, कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रहा, देखो यहां बोला गया है रिक्सिया, जो रिक्सिया के लाइफ साइकिल के बारे में देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रिक्सिया। यहां 4 एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये है बॉटनी का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, है बॉटनी का पेपर, और आप देख लीजिए इसके लाइफ साइकिल, ये एनिमल्स नहीं है, रिक्सिया एक प्लांट्स है, ठीक है, उसके थेम्स के बारे में देख लेना है। अब यहां देखिए एक रिक्सिया, ये 4 मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 या 4 होंगे, 4 है, देखो एक ये हो जाएगा, देखो ये एनिमल्स नहीं है, ये क्या है बेटा, ये प्लांट है, क्या है बेटा, ये प्लांट है। अब यहां देखिए पौधे से बोलते हैं, ये रिक्सिया का प्लांट है, और ये है मार्केसिया का प्लांट है, और ये है जिसको हम एंथियोसिस भी बोल सकते हैं, एंथियोसिरोस बोल सकते हैं, एंथियोसिरोस के प्लांट है, और ये है आपका देखो कह सकते हैं ब्रियोफाइट्स। अब ब्रियोफाइट्स और रिक्सिया, ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी इनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको पढ़ो, एक रिक्सिया को पढ़ लो और एक ब्रियोफाइट्स को पढ़ लो। ये ब्रियोफाइट्स और इसके लाइफ साइकिल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जनवर्दों के बारे में, और इसके लाइफ साइकिल, इसकी भी लाइफ साइकिल पढ़ लेना, भाई दो टिक लगा लो, ये दोनों में छुड़वा रहा हूँ बीच वाले, क्यों, क्योंकि ये फालतू मत पढ़ो, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है। मैं इसलिए सबको छुड़वाने के बाद सिलेबस के आधार पर ही मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, उन क्वेश्चनों के बाद में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई ये मत पढ़ना क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको पहला क्वेश्चन टिक लगा लो, ये क्वेश्चन टिक लगा लिया आपने, इसके लाइफ साइकिल के बारे में और उसके थेम्स के बारे में याद कर लेना है, ठीक है, थैल्स से बोल सकते हैं, उसके बाद में सुकाय बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ है ब्रियोफाइट्स के पाए जाने वाले, ब्रियोफाइट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जनन होता है, वर्धी जनन होता है, उसके बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेना, बस इतना पढ़ेंगे आप यहाँ, चलो उसके बाद में ये पूरा क्लियर हो गया। हाँ, उसके बाद में देखो ये राइनिया, राइनिया के काइनिन और प्रजनन, मतलब प्रजनन भागों की खोज का, उसके बाद आपको ये देखना है जो राइनिया है, राइनिया के जनन पार्ट्स कौन कौन से हैं, अब मैं बता रहा हूं भाई ध्यान दो, जनन पार्ट्स के बारे में उसकी खोज किसने की थी, देखो वहा और अंतः संरचना, राइनिया की वहा संरचना और अंतः संरचना कैसी, बस ये पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये जो आपने जो ऊपर देखे हैं, जो इतने आपने देखे हैं, ये एक क्लासिफिकेशन फैमिलीज के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम टेरिडोफाइट्स बोल सकते हैं, टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन उसके अंतर्गत रखे जाते हैं, आप देख लेना एक बार, पढ़ लेना इसको, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि विषम विजाणुकता क्या है, विषम विजाणुकता क्या है, इसके महत्व को देखिए, और ये जो देख रहे हैं ना सीड स्वभाव, सीड स्वभाव मतलब बीज स्वभाव जिसे सीड हैबिट्स बोलते हैं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। आप नीचे जाइए, साइकस मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइकस के बारे में आप देखेंगे, इसकी आंतरिक संरचना को पढ़ लेना,
और आवृतजीवी पौधे के महत्व, उसके आर्थिक महत्व को पढ़ लेना है, इसके विस्तार के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, टिक लगाओ। और जो छुड़वाने का है वो छुड़वा लूंगा। यह है पाइनस की पत्ती का पाइनस के बारे में पढ़ के जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, ध्यान से देखते रहना। उसके बाद में यह है पाइनस, पाइनस के पत्ती के अनुप्रस्थ काट, मतलब पाइनस की जब पत्ती को हम काटेंगे तो किस तरीके से अनुप्रस्थ काट दिखाई देगी, इसको आप एक बार पढ़ लो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो आप सभी लोग, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। और उसके बारे में देखेंगे यहाँ देखो जीवाश्म बोला गया है, इसको देखेंगे जीवाश्म अध्ययन के महत्व, जैसे हम फॉसिल ये जीवाश्म जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पे लगा लेना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, डिस्क्राइब करना होगा आपको, और इंपॉर्टेंट आपको जो फसल्स होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है, मतलब जीवाश्म के अध्ययन को करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये पेपर में देखने को मिलेगा, 100% से बोलते हैं ना वो है, ठीक है। ये पॉली कह सकते हैं पॉलीबोटनी, इसको छोड़े पॉलीबोटनी जैसे हैं, पॉलीबोटनी क्या होती है, और पॉलीबोटनी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं, पुनः कह सकते हैं पुनः वनस्पति विज्ञान, ठीक है, जो होता है ना पॉली पॉलियो बॉटनी जो होती है वो क्या होती है, आपसे पूछेगा पॉलीबॉटनी क्या होती है, पॉलीबॉटनी को दूसरे नाम से हम जानते हैं जिसे कहते हैं पूरा, मतलब पूरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है, तो पूरा वनस्पति विज्ञान जो होता है, पूरा वनस्पति विज्ञान बोल सकते हैं पॉली को, पूरा वनस्पति विज्ञान, इसको आपको पढ़ के रहा। और ये जीवाश्म क्या होता है, आप जो यहाँ ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको जीवाश्म यहाँ समझ में आ जाएगा, प्रकार और यहाँ जो आप देख रहे हैं ना इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन के बारे में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, ये वाला क्वेश्चन आप पक्का पढ़ लेना जीवाश्म, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये पॉली ये हो सके तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना कि जो पूरा वनस्पति विज्ञान होती है जिसे पॉलीबॉटनी कहते हैं, इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ बोला गया है तना कहते किसे हैं, इसका रूपांतरण कैसे, मतलब देखने में कैसे लगता है, तना का रूपांतरण आप कैसे करेंगे, तना क्या होता है, ठीक है, जिसे स्टेम कहते हैं, इसको देखिए। और यहाँ बोला गया है प्रलापवर्त क्या होता है, इसको छोड़ दीजिएगा, और पुष्पक्रम का क्या प्रकार होते हैं, पुष्पक्रम को देखना जाना है, बाकी जो छुड़वाने की वो छुड़वा रहा हूँ यहीं, ठीक है। और यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, साधारण ऊतक क्या होता है, सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं, उसका कार्य के बारे में ये आप पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एनजीओ स्पर्म में पाए जाने वाले ऊतकों का वर्णन करना है, आप ये देख लेना, जटिल ऊतक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संवहन ऊतक, जटिल ऊतक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको 100% पढ़ के जाना है, 100% रट के जाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन को टिक लगा लो बेटा। उसके बाद में आपने देखो यहाँ होता है विभोजकत्व के बारे में पढ़ेंगे, पेरिडर्म क्या होता है, इसको छोड़ दीजिएगा, कैम्बियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैम्बियम का कार्य क्या होता है, कॉर्कम्बियम, कैम्बियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे। कैम्बियम को परित्वचा क्या होती है, जिसे परिचर्म बोलते हैं, परित्वचा को परिचर्म बोलते हैं, एक बार पढ़ लेना। यह है प्रविभाजी ऊतक, इसको आप देख रहे हैं मेरिस्टेमिक जो टिश्यू कहला सकते हैं, इसको आप एक बार पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में असंगति, इसमें आप देख लेना ये वाला क्वेश्चन, ड्रेशना के असंगति वृद्धि के बारे में, असंगति वृद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखिए असंगति वृद्धि पढ़ेंगे इसको, तो ये 100% पेपर बनेगा, 100% ये असंगति वृद्धि 100% बनने वाला है। भ्रमण पोष क्या होते हैं, द्विबीजपत्री का भ्रमण विकास के बारे में आप देख लेना है, इसके बारे में माइक्रो देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, हम इसको पढ़ के जाएंगे माइक्रोजेनेसिस। और जो असंग जनन 100% ये वाला 100% बनेगा, कह सकते हैं अपोमिक्सम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप अच्छी तरीके से असंगजनन कैसे कहते हैं, इसे हम अपसंयोजन भी बोल सकते हैं, इसके महत्व के बारे में 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अपोमिक्स क्या होता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, और इसको बहुविवरणता के बारे में, बहुविवरणता पर पढ़ लेना, ये बहुविवरणता क्या होती है इसको पढ़ेंगे, और पॉलीलॉजी इसके बाद निबंध इसको पढ़ लेना है, एक निबंध आपसे पूछ लेता है इसके ऊपर, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप सबको छोड़ देंगे यहाँ, और इसको देखो जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण, जिम्नोस्पर्म पढ़ लेना, ये जिम्नोस्पर्म क्या है, इसको ये वाला छोड़ देना, और जीवांड के प्रकार कितने होते हैं ये पढ़ लेना है, परागण, ठीक है, परावर्त क्या होता है, द्विनिश्चयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनिश्चयन फलन क्या होता है, बस इतना पढ़ेंगे, बाकी यहाँ कुछ नहीं देखना है, बाकी खत्म हो गया। बस यही थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे, मतलब आप ये मत सोचना कि ये ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन होंगे, अब इन क्वेश्चनों को आपने पढ़ लिया तो आप बहुत ये समझ लेना कि टॉप बनने से कोई रोक नहीं सकता, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।